आज ना मेरी आंख ना पूरी यहाँ दर्द कर रही है, हल्का हल्का सूजन भी है। मतलब आंख ना पलक झपक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉक। एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। अभी ना जस्ट मैं सोकर उठा, सीधा चला गया बाथरूम नहाने के लिए, बिकॉज आज हमारा ना काम पहले ही रात में ही मैं कर डाला था। अपना वीडियो का जितना भी था अपलोड वगैरह सब कुछ थंबनेल बाकी था, थंबनेल पंडित को फोन कर दिया था कि तुम कर लेना अपना उधर साइड से, मैं नहीं करूँगा अभी सुबह सुबह। तो मैं सीधा नहाया हूँ, मम्मी अभी चाय बना रही हैं। अभी हम लोगों को ना हरी मतलब बरसा लोगों घर साइड जाना पड़ेगा, बिकॉज उधर साइड ना कुछ प्रोसेस हो रहा है शादी के पहले दो दिन का, शायद मड़वा वगैरह कन्फर्म नहीं है, बट हाँ कुछ तो प्रोसेस है। तभी लोग चाचा लोग बोलने आए थे कि आना है सभी को उधर साइड। भाई सबने साथ ना पोपट कर दिए, बिकॉज हम मैं 9:30 बजे ना बरसा को फ़ोन लगाया, बोला क्या मड़वा वगैरह पड़ रहा है, बरसा ने मना कर दिया, बोला यहाँ सब कुछ हो चुका, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कल चाचा सुबह बोल गए थे शाम को, तब जब हम लोग वहाँ से आए ना 10:30 बजे आए थे कि कल मड़वा पड़ना है तो सभी लोग आ जाइएगा। दादी गई थी और बड़े पापा दो लोग गए थे, तो हो गया। अब वहाँ नहीं गए ना, तो आज इस पंखे को हम लोग ने मस्त बना डाला। इसका ना कंडेंसर फूक गया था, मतलब 2-3 महीने से, तो ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो इसको मैंने बनाया ही नहीं अभी तक। अभी इसका कंडेंसर लाया था मैं करीबन 1 महीने पहले ला दिया था, लेकिन आज जाकर बीच में ना बोलो करो यार, मैं सही बोल रही हूँ, मम्मी कितने दिन से बोल रही है तुम्हें, बन गया ना आज, बात बनने से होती है, ठीक है ना। और अभी वहाँ कभी तो नहीं बनाए हो, कहाँ का किचन वाले का बोर्ड? अरे हो गया, बन जाएगा आज। हम लोगों को ये पंखा फाइनली बन चुका है, देखिए मस्त हवा दे रहा है आज, बट हाँ इसको दोपहर में चलाना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज ऊपर से ना जितनी भी छत की ना तपन रहती है ना पूरी नीचे आती है, तो दोपहर में कूलर चलाओ ज़्यादा सही रहता है। और ऐसे चेहरे को देखने के बाद लगता नहीं है कि सुबह सुबह ही नहा कर आए हैं, लगता है कि ऐसे 3 दिन से नहाए ही ना। मज़ा आया, वो उस गोरे से नहीं होता है, इंसान का जो थोबड़ा होता है ना तो उससे पता चलता है किसने नहाया किसने नहीं नहाया। ऐसे चेहरे देखो, ऐसे चेहरे देखो दिख लगता है कि हाँ नहाया। जब पापा को खाना दे दो पंचायत नगर में, तो मम्मी अभी उधर साइड से दौड़ पड़ेंगे मार कूट करने के लिए। मम्मी को पता है कि वो काम नहीं हो कुछ। गाइस आज ना मम्मी ने मस्त बनाया है कढ़ी मुनगा की और चावल और रोटी। सभी लोग ना ऑलमोस्ट मस्त सो चुके हैं, सिर्फ मैं इधर उधर घूम आ रहा हूँ, बिकॉज ना मैं कल रात में सोया था कितने बजे के करीबन 3:30 या 4 बजे करीब, सुबह उठ गया था टाइम से ही। अभी आज ना मेरी आंख ना पूरी यहाँ दर्द कर रही है, हल्का हल्का सूजन भी है, मतलब आंख ना पलक झपकते हो ना, पलक झपकते ही ना हल्का हल्का यहाँ दर्द टाइप का हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ड्रॉप अभी रखा है, देखते हैं 1-2 बूंद डालते हैं। इसके बाद ना सोच रहा हूँ 2:30-3 बजे तक मैं सोऊंगा, मस्त 6 बजे तक सोता रहूँगा, थोड़ा सा शायद आराम मिल जाए। आज सुबह सुबह जब उठा ना तभी स्वाति बोल रही थी कि ये वाली आँख और ये दोनों आँखें, ये वाली तो लाल थी और ये सूजन और दर्द इसमें है थोड़ा सा। मम्मी लोग ना गई हैं मस्त, रीवा मेरे को चाय पिलाई है, मेरे को दोपहर में बोल रही थी रीवा चलना है, तो मैंने मना कर दिया बिकॉज इतनी धूप थी दोपहर में जाने के लिए। फिर पापा को लेकर 4:30 बजे वो निकल गई रीवा, बिकॉज परसों ना शादी है दीदी लोगों की सिस्टर की, तो वो इसीलिए कुछ सामान साड़ी वगैरह लेने के लिए और कुछ पाव वगैरह पूछते हैं तो वही सब कामों के लिए, तो सामान वगैरह लेने के लिए गई हैं, 1.5-2 घंटे में आ जाएंगे। और अभी ना स्वाति मैडम मस्त लगी हुई है कुछ खाना बनाने के लिए, पता नहीं क्या बना रही है, हालांकि है तो नहीं अभी मैगी उस दिन लाया तो ख़त्म कर डाली थी, शायद पोहा बनाएगी, तो फिर लस्सी के लिए बोल रही थी, दही रखा हुआ है तो लस्सी बनाते हैं। अभी मेरे को बोली कुछ बनाओ तो मना कर दिया, अब देखते हैं क्या बना रही है क्या नहीं बना रही। आज ना मस्त कटहल की मसलहादार सब्जी बनाएंगी दादी, इसको ना तेल लगा लगा कर हाथ में काटना पड़ता बिकॉज ना चिपचिपा इतना होता है पूरे हाथ में चिपक जाता है, तो मस्त छोटे छोटे पीसों में काटी हैं दादी, क्योंकि ये ना सबसे काटते भी नहीं बनता, मम्मी लोग ना सही तरीके से नहीं काट पाती, लेकिन कटहल अच्छी है, कुछ कटले में जाली रहती है, 1-2 बार मैं लादा हूँ तो मेरे को मिली ही नहीं सही। और शाम को ना छत का माहौल कुछ ऐसा रहता है बिल्कुल शांति एकदम, और हाँ चारों तरफ ना सभी लोग अपने अपने बाहर बैठे रहते हैं दरबार करते हैं, तो फिर कोर्ट में बगिया घर साइड बड़ी मम्मी लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने बगिया में। पापा से अभी जस्ट बात हुई है, वो लोग ना रीवा से निकलने वाले हैं 10 से 15 मिनट में, 7:30 बजे तक मैं यहाँ पहुँच भी जाएंगे। अब ना बाहर बैठ जाते ना कोई ना कोई दरबारी, उनके उम्र वाले अभी 1-2 लोग बचे हुए हैं मतलब गाँव में, तो वो आते ही रहते हैं अभी उन्हीं के पास बस, बाकी तो सब अब जो यंग हैं वो तो दरबार करने ज़्यादा आते नहीं, बस हाँ उन्हीं की उम्र वाले इधर साइड के 1-2 बब्बा लोग और हैं, वो लोग मस्त पहुँचते रहते हैं। रखा हुआ था ना हम लोगों को दही, मम्मी ने कल जमा दिया था, अभी बनाए हैं, मम्मी चली गई तो हमने मस्त बनाए हम लोगों ने लस्सी क्या लस्सी, क्या लस्सी, लस्सी। तो लस्सी हम लोगों की मस्त बनी है, मम्मी आएंगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगे कि मैं रख कर जाती हूँ ये लोग मस्त बना खा लेते हैं अकेले अकेले रहकर। मैं चुपचाप दही रख ली थी, अब मम्मी आएंगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, मम्मी बताएंगे नहीं, तो मम्मी पूछे
देखेंगे तब बताएंगे, तो शायद रात तक में बताएंगे तो तब जाकर सो जाएंगे, है ना। इस बार ना थोड़ा सा पतला बना है, बिकॉज क्या था इस बार दही ना बिल्कुल थोड़ी सी थी, मैंने थोड़ा सा डाल दिया था पानी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ गया। खाना होना हो चुका है, मम्मी ला रही है मस्त हम लोगों का दूध, बिकॉज मम्मी ना आ रही थी 8:30 बजे रीवा से, और इसके बाद मम्मी ने खाना बनाया, काफ़ी लेट कर दिया था आज खाना बनाने में, बिकॉज दादी ने ना सब्जी वगैरह काट दिया था, बट हाँ बोल रही थी बनाने के लिए लेकिन स्वाति मना कर दी थी। मम्मी ना दूध को रख दी सीढ़ी में, रख के चली गई सोने के लिए। मैं अभी ध्यान आया कि मम्मी दूध रख कर गई हैं, और मस्त स्वाति मैडम लगी हुई है हमारी आंगन में इतनी समय पढ़ाई करने में, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा बिकॉज अंधेला है, उस साइड अंधेला रहता है दिखता है पढ़ने के लिए। गर्मियों में ना बाहर सोने का मजा कुछ दूसरा ही रहता है, बट हाँ बाहर ना मच्छर काफ़ी ज़्यादा काटते हैं। अभी मैं छत में टहल रहा था, थोड़ी देर बैठ गया छत में, मच्छर काटने लगे थे, और चार छह लोग अभी सो रहे हैं बाहर ही समय, मुँह से बोल बोल कर पढ़ा जाता है ठीक है ना। ऐसे लेटी हुई थी एकदम कुर्सी पे जैसे खटिया उटिया में, मस्त एकदम बेड मिल गया हो, मस्त एकदम कुर्सी में पैर एकदम रख कर आराम से लेटी हुई थी, और पढ़ाई एकदम मचाई हुई थी। बिकॉज क्या है ना उसका ना अभी आने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि आज शायद निकला है डेट एग्ज़ाम फीस पे करने की, अभी आज बोल तो रही थी कि पे कर देना, अभी आज मैं चेक किया था एक बार 10:30 बजे करीब तो नहीं खुल रहा था, शायद कल से होने लगे जमा या शाम से होने लगा होगा, अभी मैंने चेक नहीं किया। इसकी पेमेंट भी कर देंगे, 1-1.5 महीने बाद पेपर भी चालू हो जाएगा। अभी गाइस ना हम लोगों को ना रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम लोग शुरू आज ना खाना से ही लेट हो गया था। अभी इस ब्लॉग को ही पिन करते हैं, आई होप आप लोग ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, बाय।